सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लातेहार जिले के राजकीय कृत मध्य विद्यालय धानू में विद्यार्थियों को आधुनिक कृषि के विषय में एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान एवं वरीय वैज्ञानिक महेश चंद्र ने बच्चों को बताया कि कृषि के क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान किया जा रहा है, जो किसानों को एवं गाँव वासियों को जानना आवश्यक है। जैविक खेती एवं टपक सिंचाई विधि की महत्ता को अपनाना अति आवश्यक है। डॉक्टर सुनीता कांड्या ने बताया कि जैविक खेती आज के दिनों में अति आवश्यक है, जिसकी शुरुआत हम लोग अपने घर से कर सकते हैं। उन्होंने किचन गार्डनिंग की जरूरत के बारे में भी बताया। डॉक्टर सुनीता कुमारी कमल ने बच्चों को पोषण संबंधित जानकारियाँ भी दी। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक नित्यानंद तिवारी ने कहा कि विद्यालय के विद्यार्थी कृषि के क्षेत्र में अत्यंत रुचि रखते हैं एवं विद्यालय में भी किचन गार्डनिंग का निर्माण किए थे। विद्यालय के शिक्षक कान्हा कुमार एवं मनोज कुमार भी मौके पर मौजूद थे। इस दौरान गांधी जयंती के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित लेखन एवं चित्रांकन प्रतियोगिता में पवन उराव, नैन्सी कुमारी, तमन्ना परवीन, रौसी कुमारी को कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से पुरस्कृत किया गया। बालूमा से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।